Hello everyone. So guys, today we are going to discuss BRICS. So what is BRICS? BRICS is basically an acronym of the grouping of the world's leading emerging economies, namely Brazil, Russia, India, China and South Africa. Fine, so basically ye jo hai, it's an acronym of five countries. Okay, it's an acronym of five countries. Which came together and they have formed a group. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे, लाइक दिस इज अ नॉन मिलिट्री ग्रुप. ठीक है, आपके दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, लाइक मिलिट्री ग्रुप्स एंड नॉन मिलिट्री ग्रुप्स. मिलिट्री ग्रुप का एग्जाम्पल है लाइक नाटो हो गया, CSTO हो गया. नॉन मिलिट्री ग्रुप्स या इकोनॉमिक ग्रुप आप कह सकते हो या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, दैट इज द ब्रिक्स. सो गाइज, ये जो ब्रिक्स है, दिस वॉज लाइक फर्स्ट क्वाइन बाई ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जिम ओ नील. ठीक है, जो जिम ओ नील है, बेसिकली ही वॉज चेयरमैन ऑफ गोल्डमैन सैक्स. गोल्डमैन सैक्स एक बहुत ही बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है US की, ब्रिटेन में भी बेसिकली काम कर रही है, हर जगह पूरे वर्ल्ड वाइड है. तो उन्होंने बेसिकली ये फर्स्ट टाइम 2001 में ये टर्म क्वाइन किया था. उनकी एक बुक है बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स. ठीक है, तो उसमें ये फर्स्ट टाइम ये आइडिया पब्लिश किया था और उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रुप क्रिएट हुआ. इन 2006 द फॉर्मलाइजिंग ड्यूरिंग द मीटिंग द ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स इन 2006. ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई इन 2006 और फिर ये ग्रुप पूरा एक तरीके से फॉर्मलाइज हो गया आप कह सकते हो. ठीक है, दैट वॉज फॉर्मलाइज्ड. चलिए, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि इनिशियली साउथ अफ्रीका वॉज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स. ठीक है, इनिशियली इट वॉज अ ब्रिक एंड लेटर ऑन इट वॉज कन्वर्टेड इनटू ब्रिक्स. ठीक है, तो ये ईयर ध्यान रखेंगे. इन मैनी एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन इन विच ईयर साउथ अफ्रीका ज्वाइंड ब्रिक्स. सो राइट आंसर विल बी दिसंबर 2010, आफ्टर विच the group adopted the acronym BRICS. So these are the leaders of BRICS. ठीक है, आपके ये पुतिन साहब हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, उसके बाद ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो. ठीक है, फिर हैं साइरल रैमफोसा एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी. सो दीज आर द लीडर्स ऑफ BRICS. अब देखिए, जो ब्रिक्स है गाइस, दिस इज़ दी लाइक ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन. दिस इज़ द बिग थिंग, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड द मेन रीज़न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स इज़ टू काउंटर वेस्टर्न ग्रुपिंग्स. ठीक है, आप लोग जानते होंगे लाइक दो सबसे बड़े ग्रुप्स हैं पूरे वर्ल्ड में, दैट इज़ IMF एंड वर्ल्ड बैंक. तो इन दोनों को काउंटर करने के लिए आपका ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ. इट इज़ कवरिंग 24% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड. ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन. और जो इसकी चेयरमैनशिप है, ठीक है, जो चेयरमैनशिप है दैट इज़ रोटेटेड. ये नहीं कि एक ही आदमी चेयरमैन रहेगा, पहले ब्राज़ील बनेगा, फिर रशिया बनेगा, इंडिया बनेगा, चाइना बनेगा, साउथ अफ्रीका बनेगा. अभी रिसेंटली चाइना के पास आपकी चेयरमैनशिप थी. सो उसके बाद नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका विल होस्ट दी समिट. जो कंट्री होस्ट करेगी समिट को, वही उसकी चेयरमैन होगी. दिस इज़ हाउ द थिंग्स गोज ऑन. अभी रिसेंटली चाइना में समिट हुई थी, बट दैट वॉज अ वर्चुअल समिट. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड द 14th ब्रिक्स समिट विच वॉज वर्चुअली होस्टेड बाई चाइना एंड द थीम ऑफ द 14th ब्रिक्स समिट वॉज, प्लीज नोट इट डाउन, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट. ठीक है, इन मैनी एग्जामिनेशन दे कैन आस्क थीम ऑल्सो. ठीक है, दे कैन आस्क यू लाइक जो ये समिट हुई थी कहाँ पे हुई थी, दे कैन आस्क यू व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस समिट. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं.
Next is BRICS Plus virtual conference was also held as a part of the main meeting with ministers from country including UAE, Saudi Arabia, Egypt, Kazakhstan, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल एंड थाईलैंड। ठीक है, तो ये लोग भी बेसिकली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, ब्रिक्स इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन बैंक। ठीक है, ब्रिक्स इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन बैंक, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। प्लीज़ नोट इट डाउन, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये अपनी ब्रिक्स की अपनी बैंक है। और एक और क्वेश्चन है मेरा, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, जो हेडक्वार्टर है ब्रिक्स का, दैट इज इन शंघाई। ठीक है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, प्लीज बी प्रिपेयर। फाइन, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। दीज आर द कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स। और मैंने आपको बताया था ब्रीफ में, लाइक ब्रिक्स इज हैविंग इट्स ओन बैंक, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज फॉर्म्ड इन ईयर 2014। ठीक है, 2014, और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में, और जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो इंडिया से थे, दैट वाज केवी कामत। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, केवी कामत। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये लोन्स बेसिकली सिर्फ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, किसी इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन, इट विल नेवर प्रोवाइड लोन टू इंडिविजुअल, सिर्फ गवर्नमेंट को लोन्स प्रोवाइड करेगी। अब देखिए, जो अभी रिसेंटली समिट हुई थी, 14th समिट, व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ दिस समिट। फर्स्ट, इट स्टेट्स दैट ब्रिक्स सपोर्ट टॉक बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। राइट नाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन। ठीक है, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई है। तो ब्रिक्स ने सपोर्ट किया है कि भाई देयर शुड बी अ टॉक बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड देयर शुड बी अ पीस एंड हारमोनी। नेक्स्ट इज द ग्रुपिंग इज विलिंग टू सपोर्ट द UN's United Nations and International Committee of the Red Cross effort to deliver humanitarian aid to Ukraine. अभी जो Red Cross Society है, ये all over the world, ठीक है, ये जो भी casualties होती है, ठीक है, जैसे आप war हो रहा है तो बहुत सारी civil casualties होती है, तो उन सबको ये aid provide करती है। तो basically UN का effort रहेगा कि Red Cross Society का भी, कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है वो जो सिविलियंस है उनको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंट्री ऑल्सो एक्सप्रेस द कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन तालिबान हेल्ड अफगानिस्तान। अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब से US गया है अफगानिस्तान से, तो तालिबान इज कंट्रोलिंग अफगानिस्तान, देर इज नो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान में, लाइक जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, सेल्मा डैम हो गया, और भी बेसिकली रोडवेज के प्रोजेक्ट थे, दे वर ऑल बिल्ड बाय इंडिया। अब देखिए, इसमें सबसे एक जो मेजर डिस्कशन हुआ, दैट वाज ऑन यूक्रेन। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ यूक्रेन एंड वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन, कितने दिन वॉर चलेगा। तो ये सब बहुत ही मेजर कंसर्न्स हैं वर्ल्ड लीडर्स के लिए, तो ये सब चीज़ें डिस्कस हुई। कंसर्न ओवर द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन एंड अराउंड यूक्रेन एंड एक्सप्रेस देयर सपोर्ट टू एफर्ट ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल, UN एजेंसीज एंड इंटरनेशनल कमिटीज ऑफ द रेड क्रॉस टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। ठीक है, तो ये एक आपका मेन डिस्कशन है। टेररिज्म के ऊपर भी डिस्कशन हुआ। व्हाइल डिस्कसिंग द टेररिज्म एंड द टेरर कोऑपरेशन, द ब्रिक्स कंट्रीज सेट द ओनली द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज द अथॉरिटी फॉर इम्पोजिंग सैंक्शन। एज यू नो, UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, दे आर हैविंग अ वीटो पावर। ठीक है, कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा, US है, रशिया है, चाइना है,
फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, दीज आर दी फाइव कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर है एंड दे आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन अफगानिस्तान. द ब्रिक्स कंट्रीज कॉल्ड फॉर अफगानिस्तान अथॉरिटीज टू अचीव नेशनल रिकॉन्सिलेशन थ्रू द डायलॉग एंड नेगोशिएशन एंड टू एस्टेब्लिश अ ब्रॉड बेस्ड एंड इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडिंग दैट द अफगान टेरिटरी मस्ट नॉट बी यूज टू शेल्टर टेररिस्ट और अटैक एनी अदर कंट्री. ठीक है, तो ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है बेसिकली पूरे वर्ल्ड के लिए राइट नाउ. जब से आपको पता होगा कि 9/11 हुआ, उसके बाद US ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, और तब से US अफगानिस्तान में हुआ है. लास्ट ईयर बेसिकली इसी साल US ने जितनी भी फोर्सेज हैं वो वापस बुला ली, एंड जो अफगानिस्तान है नाउ इट इज़ कंट्रोल्ड होली बाई तालिबान, एंड इन तालिबान देयर इज़ नो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एज सच नाउ. ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न है सभी जो भी आसपास नेशंस हैं और साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए. तो ये सारी चीज़ें आपकी डिस्कस हुई. सो गाइस, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट ब्रिक्स. So we are going to have lot more session like this. Thank you so much. Bye-bye. Take care.